नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट कंप्यूटिंग आरएसएनआर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसनगर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स का जो नया प्रोविज़न आया है, TCS ऑन सेल्स, जिसकी सेक्शन है 206C सब सेक्शन 1H। यानी कि एक सेलर अब अपने बायर से CGST और SGST के अलावा एक TCS टैक्स है, वो भी इनवॉइस पे लगाएगा। तो कौन कलेक्ट करेगा इस TCS को और कौन से बायर पे ये लगेगा, तो ये भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक कंप्लीट देखना, ताकि आपको ये इसका प्रोविज़न अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी टेलीविजी मार्ग और अकाउंटिंग की नई नई वीडियो और नई नई अपडेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये एक इनकम टैक्स का एक नया प्रोविजन है, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से ये लागू हो रहा है। तो जो टैक्स कलेक्ट करेगा, यानी कि जो सेलर होएगा, उस पर दो कंडीशन रहेगी। पहली कंडीशन उसकी यही है भी उसकी फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक उस सेलर्स की टर्नओवर जो 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, जिस बायर से TCS कलेक्ट करना है, उस बायर्स को 50 लाख से ज़्यादा की सेल अगर हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो, यानी कि अब 1 अक्टूबर से अगर पीछे तक 30 सितंबर तक उस पर 50 लाख की टर्नओवर अगर हो चुकी है या उससे ज़्यादा भी हो चुकी है, तो 1 अक्टूबर से जो डिफरेंस है उस पर TCS एप्लीकेबल रहेगा 1 अक्टूबर 2020 से। तो ये दो कंडीशंस रहेगी। अगर दोनों कंडीशन किसी सेलर की अगर लागू नहीं हो रही है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ की टर्नओवर भी नहीं है, और अगर उसने किसी एक सिंगल बायर को 50 लाख की अभी तक उसने कोई सेल भी नहीं करी है, तो इस सेक्शन से वो भी बाहर है। अगर फाइनेंशियल ईयर दौरान उसके टर्नओवर तो 10 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन किसी सिंगल्स बायर को अभी तक 50 लाख से ज़्यादा की सेल नहीं हुई है, तो भी इस रूल में अभी लागू नहीं है। अगर फाइनेंशियल ईयर की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से कम है, लेकिन बाद में जो किसी सिंगल्स बायर को 50 लाख से ज़्यादा की सेल हो चुकी है, तो भी इस सेक्शन में वो नहीं आएंगे। तो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो TCS का टैक्स है, ये बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल इनवॉइस पे कैसे एप्लीकेबल होएगा। तो फ्रेंड, इससे पहले मैंने टेली पे एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुकी है, अभी टेली में जब कोई इनवॉइस बनेगा तो उस पे TCS कैसे एप्लीकेबल होगा। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले बिजी में हमें कुछ बिल सैंड्री और कुछ लेज़र हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसे हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, उस कस्टमर का नाम और जो TCS का जो नया टैक्स है वो भी हम एक नया टैक्स है जो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में TCS को इनेबल करना पड़ेगा, और TCS को इनेबल करने के लिए तो सबसे पहले आपके पास बिजी 18 का वर्जन रहना चाहिए, और उसका जो रिलीज है वो 6.5 होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक कंपनी एक ऑलरेडी क्रिएट यहाँ पर करके रखी हुई है श्री ट्रेडर्स के नाम से। तो सबसे पहले हमें TCS को एप्लीकेबल करना पड़ेगा, और TCS को एप्लीकेबल करने के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे, और इंटरप्रेस करने के बाद सेकेंड ऑप्शन हमें दिखेगा कॉन्फिग्रेशन का, इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे, और उसके बाद हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा फीचर एंड ऑप्शन का, इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे, और उसके बाद इस विंडो में हमें TDS और TCS इस फीचर पर हम इंटरप्रेस करेंगे, तो दोनों ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इनेबल TDS और इनेबल TCS। तो हमें TCS को अभी एप्लीकेबल करना है, तो इनेबल TCS पे मैं टिक करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पर हमें इस बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें पोस्ट करनी पड़ेगी, जो 10 नंबर है जो रजिस्ट्रेशन होता है TDS का उस वक्त जो मिलता है वो भी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, और जो TDS और TCS का जो सर्किल है वो भी हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, और उसके बाद में पेयर्स कैटेगरी यानी कि श्री ट्रेडर्स किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है
वो इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, या कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, किस टाइप की उसमें कैटेगरी में आता है। तो मैं इसे एक बार इंडिविजुअल रेजिडेंस में सेलेक्ट करता हूँ मैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी हमें फिलअप करनी होती है, लेकिन मैं अभी इसको एक बार स्किप कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं इसे सेव पे क्लिक करूँगा और इसे एग्जिट करूँगा। तो अब इसके बाद एक बिल सैंडरी जो हमें बीजी में बनाना पड़ेगा, बिल सैंडरी के लिए वापस हम मास्टर्स पर जाएंगे, और मास्टर पे जाने के बाद बिल सैंडरी इस पर हम इंटर प्रेस करेंगे और बिल सैंडरी पे ऐड। और यहाँ पर एक हमें जो टैक्स लगाना है TCS का, उसका लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, TCS टैक्स, और इंटर प्रेस करते हुए इसे अब ऑप्शन हमें पूछ रहा है भी विल सैंडरी टाइप, तो ये TCS टैक्स हमें ऐड करना है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको एडिटिव सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसे मैं अदर में सेलेक्ट करूँगा। ये जो बिल सैंडरी नेचर जो आ रहा है, इसको यहाँ से मैं अदर में सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा भी एडजस्ट इन सेल अमाउंट, भी क्या आपने जो TCS जो टैक्स लगाओगे वो सेल के अमाउंट में एडजस्ट करोगे या आपको अलग से शो करना है। तो हमें अलग से शो करना है, तो इसलिए मैं यहाँ इस फीचर को मैं नो करूँगा। तो जैसे इसको नो करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर पूछेगा भी अगर आप इसे नो कर रहे हो तो कौन से लेज़र में आप इसे ऐड करना चाहते हो। तो मैं इसको सेटिस्फाई हेयर पे करके और यहाँ पर TCS जो कि वीजी के अंदर एक ऑलरेडी लेज़र क्रिएट किया होता है, TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट शोर्स, तो इस पर मैं इंटर प्रेस करूँगा और इंटर प्रेस करते हुए इसे मैं सेव करूँगा। और उसके बाद एक लेज़र मुझे क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हमें गुड्स सेल करना है, तो इसके लिए लेज़र क्रिएट करने के लिए मास्टर पे और अकाउंट्स पे और एड पर। तो उसके बाद मैं एक लेज़र यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, सत्यम एंटरप्राइजेस, ये मेरा कस्टमर है, तो इसे मैं सैंडरी डेब्टर्स में रखूँगा। तो जैसे मैं सैंडरी डेब्टर्स पे इंटर प्रेस करूँगा तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे TCS एप्लीकेबल, कि क्या आप इस सत्यम एंटरप्राइजेस पे TCS एप्लीकेबल करोगे क्या। बिल्कुल करेंगे, तो इस पर मैं यस करूँगा। तो उसके बाद इसकी कैटेगरी भी पूछेगा, ये सत्यम एंटरप्राइजेस किस टाइप की कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। तो इसे भी मैं एक बार इंडिविजुअल और रेजिडेंस में इसको रखूँगा मैं, और इंटरप्रेस करते हुए बाकी इसका एड्रेस वगैरह सब कुछ फिलअप करते हुए इसको मैं इंटरप्रेस करते हुए इसको भी मैं सेव करूँगा। तो अब मुझे एक स्टॉक आइटम भी क्रिएट करनी पड़ेगी जो गुड्स में सेल करने, तो आइटम क्रिएट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर और मास्टर, और मास्टर पर जाने के बाद आइटम पर और एड। तो यहाँ पे एक मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, मेरा मोबाइल का ही प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ, आपके पास कोई भी गुड हो सकता है वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अदर से भी। तो जनरल में रखूँगा, यूनिट पीसीस में रखूँगा, और टैक्स कैटेगरी इसकी 18%, और यहाँ पर इसका HSN कोड रखते हुए इसको मैं सेव करूँगा। तो उसके बाद हमें एक सेल का इनवॉइस बनाना पड़ेगा, और सेल इनवॉइस बनाने के लिए ट्रांजैक्शन मेन्यू पे एंटर प्रेस करूँगा, और उसके बाद सेल्स, और सेल्स में एड, और सीरीज हमारी मेन रहेगी, और इसका जो डेट है वो 1 अक्टूबर 2020, और ये मेरी लोकल की सेल है, तो इसलिए मैं यहाँ से लोकल CGST आइटम वाइज यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करूँगा जिसे हमें ये प्रोडक्ट सेल करना है, और स्टॉक आइटम में जो हमने मोबाइल का एक गुड्स क्रिएट किया था, तो क्वांटिटी में यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2, और इसका प्राइस है जो 10,000 रुपये, और ये 10,000 रुपये जो टैक्सेबल वैल्यू है, तो ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू 20,000 रुपये है, और टैक्स एड होने के बाद इसकी जो फाइनल अमाउंट बन गई वो 23,600 रुपये बन गई, और ये टैक्सेबल वैल्यू 20,000 रुपये है, यानी कि इस पर ये SGST और CGST टैक्स है जो ऐड हो चुका है। तो इसे मैं सेव करूँगा, और उसके बाद जो हमें TCS का टैक्स अलग से जो चार्ज करना है वो बिल सैंडरी में यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस पर के लिए मुझे TCS टैक्स जो कि हमने बिल सैंडरी में क्रिएट किया था उसे सेलेक्ट करूँगा, और जिस रेट से TCS को कलेक्ट करना है वो रेट भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो मैं 0.075% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 17 रुपये और 70 पैसे जो
TCS की अमाउंट जो बन चुकी है, यानी कि ये 17 रुपये 70 पैसे ये 23,600 रुपये की अमाउंट पे इसने कैलकुलेशन करी है। तो इसे मैं सेव करूँगा और सेव करने के बाद ये TCS की जो डिटेल है वो भी हमें यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगी ये। और 286 इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो रेफरेंस नंबर है, जो हमारा वाउचर नंबर होता है, ये ऑटोमेटिक ही यहाँ से ये उठा लेगा। और जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे तो इस बिल की जो इन्फॉर्मेशन है सारी यहाँ पर ऑटोमेटिक ही फिलअप हो जाएगी। ये जो फाइनल अमाउंट है 23,600 TCS कलेक्शन 1 अक्टूबर से, और जो TCS का जो रेट है वो 0.075 है। और इस तरीके से जो TCS की अमाउंट है वो राउंड ऑफ होके 18 रुपये पूरी बन जाएगी। और हम इसे इंटरप्रेस करते हुए इस वाउचर को हम सेव करेंगे और इसे सेव करेंगे। अब इसका अगर हम प्रिंट प्रीव्यू अगर देखना चाहें भी किस तरीके से इसका प्रिंट प्रीव्यू रहेगा, तो हम इसे यस करेंगे और स्टैंडर्ड में रखते हुए इसे प्रिंट प्रीव्यू। तो अब आप देख सकते हो इस प्रिंट प्रीव्यू में आने के बाद में ये जो TCS की जो अमाउंट है टैक्स की, यहाँ पर ये अलग से कैलकुलेट में यहाँ पे दिखाएगा इस फाइनल अमाउंट के बाद में। और ये जो TCS टैक्स जिसके नाम से हमने बिल सेंट्री क्रिएट करी थी वो भी यहाँ पर शो करेगा। तो आप इस TCS को एक TCS टैक्स या TCS एक एडवांस टैक्स के नाम से भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा इनवॉइस है जो जनरेट हो जाएगा, सी ट्रेडर्स का नाम रहेगा, ये इनवॉइस नंबर, डेट और ये बिल टू जिस कस्टमर को, जिस पार्टी को ये सेल किया था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। और इसका अब टैक्सेशन पे यानी कि TCS की रिटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा और डिस्प्ले पे जाने के बाद ये TCS रिपोर्ट, इस TCS रिपोर्ट पे हम इंटरप्रेस करेंगे और TCS कलेक्शन डिटेल पे हम इंटरप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, ऑल कैटेगरी, ऑल रेफरेंस करते हुए इसको हम स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट भी 1/10/2020 तक, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर देगा। भी टैक्स की कैटेगरी 206C जो कि सब कैटेगरी कोड, और इसका रेफरेंस नंबर, पार्टी का नेम, और इसकी जो पेमेंट अमाउंट है जो इन्वॉइस की 23,600 रुपये है 1/10 को है, और जो TCS की अमाउंट है वो 18 रुपये है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे TCS की रिपोर्ट में शो कर देगा। अगर इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे तो वो सेम वही इन्वॉइस हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा।